Former Pakistani legend Waqar Younis is in Kolkata right now, as he has been roped in by Saurav Ganguly to monitor the Bengal seamers for the Vision 2020 project. The former fearsome fast bowler from Pakistan has been doing his best with the youngsters of Bengal to find out the original diamonds. From the bowling of Ishant Sharma to the prospect of Bengal seamers, Waqar was conspicuous to XtraTime. Let's watch what he said. Look, Ishant ka mera nahi khayal koi problem hai. Ishant ne badi achhi bowling ki. I think cricket itni zyada ho gayi hai ki sometimes aap thoda आप थक जाते हो, इंसान है ना, तो थोड़ा थक जाते हो. तो आई थिंक समटाइम्स आपको बॉलर को थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा. इसीलिए तो ऑस्ट्रेलियंस ने, इंग्लैंड ने सारे ना रोटेशनल पॉलिसी शुरू की है, जिसकी वजह से आपके बॉलर थोड़े फ्रेश रहने चाहिए. तो आई डोंट थिंक ईशांत के साथ कोई भी प्रॉब्लम है. ईशांत बड़ा हार्ड वर्किंग लड़का है, बड़ी मेहनत करने वाला लड़का है, बड़ा समझदार लड़का है. तो आई थिंक उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. थोड़ा टाइम देंगे, 2 महीने ऑफ देंगे, आप देखिएगा कि वापस आएगा और उसी तरह आएगा जिस तरह वो पहले बोली. बताऊं तो मैं अभी भी समझता हूं कि इंडिया में अभी भी मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं है. जो अगर आप उठा के देखेंगे, आईपीएल में लड़के हैं जो 145-45, 147-47 की पेस पे बॉल करते हैं. लेकिन सर प्रॉब्लम जो ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आ रहा है कि आते हैं लड़के और आके गायब हो जाते हैं. आई डोंट नो इट इज़ बिकॉज कि कंट्री बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे और भी हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती है. टैलेंट तो बिल्कुल है. हमें नहीं समझ आती है कि हम इतना क्यों इंसिस्ट करते हैं कि पिचेस उसी तरह की बननी चाहिए. वहाँ हम लोगों की इस तरह की सूट करती हैं या इस तरह की कंडीशन, हम उनको कॉपी करते हैं. वो हमें क्यों नहीं कॉपी करते, वो स्पिनिंग पिचेस क्यों नहीं बनाते. तो ये एक होम एडवांटेजेस होते हैं कि हमारे यहाँ स्पिनिंग पिचेस बनते हैं, हमारे यहाँ स्पिनर ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो हम उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ खेलते हैं. जब आप वहाँ जाते हैं तो वो ग्रीन विकेट, बाउंसी विकेट्स बनाते हैं. तो आई थिंक ये एक क्रिकेट का भी कल्चर है. ये क्रिकेट का एक क्रिकेट की ब्यूटी भी है कि आपको किसी एरिया में बाउंसी मिलती है. इंग्लैंड चले जाए तो आपको बाउंसी नहीं मिलती, आपको सीमिंग मिलती है. न्यूजीलैंड में सीमिंग मिलेंगे, साउथ अफ्रीका चले जाएंगे फास्ट, यहाँ स्पिन, बैटिंग ट्रैक. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम. सो आई थिंक वन एडवांटेज मुझे जो ये जाता है ना इस तरह के कैंप में, क्योंकि मैं इनकी साइकी समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक छोटे स्टेट से बहुत आया हूँ और छोटे शहर से आया हूँ, और मैंने भी ऑल द डिफ़िकल्टीज और ऑल द हार्ड वर्क जो करना पड़ता है इस लेवल पे, वो मैंने देखा हुआ. तो आई थिंक मुझे समझ आती है इनकी साइकी, मुझे इनका सोच समझ आती है. तो आई थिंक मैं उनको उसी तरह डील कर रहा हूँ कि जिस तरह कोई मुझे डील करता, मुझे मैं चाहता था कि उस टाइम मुझे डील किया जाता. तो कोशिश ये की जाती है कि इनको अच्छे फ्रेंडली माहौल में इनको अच्छी सी पूरा चांस दिया जाए, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि अपना किसी को हार्ट ब्रोकन ना हो. क्योंकि सिलेक्शन में जब आते हैं तो आप ये भी एक एस्पेक्ट थोड़ा सा देखना पड़ता है. तो ओवरऑल आई थिंक बॉयज आर प्रीटी रिलैक्स और अच्छा लग रहा है. तो ऑफ कोर्स मैं उनको थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस तरह की पर्सनालिटी है, किस तरह के आदमी है, गुड मैन है. और होपफुली उनको ट्रेनर है मेरे साथ और मेरे साथ एक फिजियो है. तो ये सारा एक टीम वर्क है, जो ना सिर्फ कि वो 15-16 लड़कों की टीम है, बल्कि जो बाहर हैं जो 5-6 लोग हैं, ये भी एक टीम है. और ये भी मिल के इनको अगले 2-3 महीने जब तक मैं वापस नहीं आता, आके दोबारा नहीं देखता, तो ये इनका ध्यान करेंगे और इनकी कोशिश करेंगे कि इनकी फ़िटनेस का लेवल बेहतर हो, इनकी जो इनकी खामियां हैं जो हम बात करके, जो इनको प्रोग्राम दे के जाएंगे उस पर वर्क करेंगे.